तीन दिन पहले हुई अलवर में एक वृद्धा की मौत के आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें पुलिस ने एक महिला सहित दो को गिरफ्तार किया है। वहीं अभी एक आरोपी फरार है। अलवर में लगातार बढ़ रहे अपराधों को रोक पाना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। हालांकि पुलिस भी अपराधियों को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। अलवर में तीन दिन पहले हुई 82 वर्षीय वृद्धा की मौत की गुत्थी को पुलिस ने मात्र तीन दिनों में सुलझाकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटे गए गहने भी बरामद करने में सफलता हासिल की है। एनबी थाने में SP राहुल प्रकाश ने प्रेस वार्ता में बताया कि हत्या के मामले में SHO देवेंद्र प्रताप के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की थी। साथ ही पुराने किराएदारों और काम करने वाली महिलाओं पर निगरानी रखी गई, जिसमें शक की सुई झाड़ू पोछा करने वाली लक्ष्मी पर टिकी। साथ ही उसके साथ रहने वाले चरण सिंह उर्फ लाड़ी को भी हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ करने पर लक्ष्मी ने चरण सिंह और उसके दोस्त कैलाश के साथ मिलकर वारदात करना कबूला। जिनका रिटायरमेंट 1999 में हुआ था, वो अकेली महिला इस घर में रहती थी। जो घर इनका अभी भी हाउसिंग बोर्ड की तरफ से स्थापित है, उनके एक पुत्र है जो फरीदाबाद में निवास करते हैं, जिनका नाम हरी हो गया। ये महिला पिछले 20 सालों से यहाँ पर रह रही है और इस घटना के करीब 9-10 माह पूर्व वो फरीदाबाद चली गई थी अपने बेटे के पास में, वहीं पर वो रही थी। इस घटना होने के मुश्किल से करीब 1 माह पूर्व ही यहाँ पर आई है अकेली रह रही थी। लेकिन अकेली महिला को देखकर इस चीज़ का फायदा उठा के नौजवानों ने जो है उनके घर में पीछे की तरफ से जो डोर है उससे प्रवेश किया, प्रवेश करके उनका मुँह जो है उसके दबाव में हत्याकारी की और इनकी। गौरतलब है कि ट्रांसफर नगर में 2/13 में रहने वाली 82 वर्षीय तारा गुप्ता की गला घोटकर हत्या कर कान के सोने के कुंडल चूड़िया सहित नकदी लूट ली गई थी। हत्या की साजिश के मुख्य सूत्रधार कभी मृतका के घर झाड़ू पोछा करती थी। हत्या से एक दिन पहले भी लक्ष्मी मृतका के घर आई और चालाकी से पीछे की तरफ खुलने वाले बाथरूम के दरवाजे को खोल दिया, जिसकी भनक तारा देवी को नहीं लग पाई। रात में लक्ष्मी ने रैकी करवाकर चरण सिंह और कैलाश को भेज वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने चरण सिंह और लक्ष्मी को गिरफ्तार कर लिया है। अभी तीसरे आरोपी कैलाश की तलाश जारी है।